नेता प्रतिपक्ष को सुनिए ना महाराज, आप लोग तो सुनिए जरा। हाँ अध्यक्ष महोदय, सब दल का समय अलॉट है, हर विषय पे हर डिपार्टमेंट में सब पार्टी को बोलने का मौका मिलना चाहिए, मिलता रहा है। तो आज ऐसा ना हो कि किसी दल को, मान लीजिए आज कृषि विभाग पे तो ये बोलेंगे भाई, लेकिन आज व्यवधान के कारण समय बर्बाद हुआ, समझौता तो करना पड़ेगा। ऐसी चलिए, आप एक दल नहीं महोदय, आप या तो आप इनको आश्वासन दीजिए कि कल कृषि विभाग और सहकारिता विभाग पे जो वाद विवाद है, इनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। चलिए, कल मौका मिलेगा ही। चलिए, अब माननीय मंत्री कृषि विभाग, चलिए बोलिएगा, ठीक है, प्रोसीजिंग पार्ट बना दीजिए। आज तक नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कई दिन तो कोई नहीं बोला, सारा समय चला गया। एक मिनट, माननीय सदस्य शांति शांति से सुनिए, और सुनिए माननीय सदस्य, सुनिएगा आप, बोलिएगा, अरे आप तब बोलते रहिए, हम ही चुप हो जाते हैं। अब सुनिएगा, आप सुनिए महबूब जी, सुनिए, अब पुरुष का हम लिंग भेद नहीं करते हैं, सभी लिंग का सम्मान करते हैं। कल सिंचाई विभाग पर बोलना है, उसी में बोलिएगा, जाइए, अब जाइए बोलिए। आज हमारी सीमाएं सीमित है, 5 बजे ले करना है, इसलिए आज बिहार के यशस्वी बोलिए माननीय मंत्री, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि आपने लगातार दूसरी बार और कृषि विभाग का बजट सदन में प्रस्तुत करने का हमें अवसर दिया। शांति 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 सुनिए, नहीं हमको लगता है कि एक परंपरा बनाए हुए हैं कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय, अरे सुनिए सुनिए पहले सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधानसभा में महिला सदस्यों को ही बुलवाने का मौका देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी दल में महिला सदस्य नहीं है तो मेरा आग्रह होगा कि उन लोगों को भी बोलने का मौका दे दें, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा कम संक्षेप में जवाब दे देंगे, लेकिन थोड़ा तर कम समय आप भी बोल दीजिए, हमको तो कोई वही यही मांग कर रहे हैं, तो थोड़ा देर बोल लेने दीजिए, जाइए अपने स्थान पर, जाइए सर लोग।